मैं हेमा रानी गुलाटी नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित आचार्य हस्ती विशेष आवासीय विद्यालय में प्रधानाध्यापिका पद पर हूँ। आज मैं शाकाहारी भोजन के विषय में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, उसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता, तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए यह हमें पता हो। शाकाहारी भोजन शुद्ध और सात्विक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हमें भोजन ऐसा लेना चाहिए जो हमारी शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता हो। पहले के समय में लोग स्वयं खेती करके फल सब्जियां शुद्ध अनाज उगाकर भोजन करते थे, जिससे वो दीर्घायु होते थे और लंबे समय तक अच्छा जीवन जीते थे। शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाता है, जबकि मांसाहारी भोजन तामसिक है, जिसको करने से मनुष्य में क्रोध और ईर्ष्या जैसे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। कितनी अजीब बात है कि मनुष्य अपने एक स्वाद के लिए जीवित पशुओं या प्राणियों को मारता है और अपना भोजन बनाता है। यह अधिकार उसे किसने दिया? यदि किसी कार्य करने का विकल्प ना हो तो बात समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी मनुष्य की नहीं है कि वो अपने भोजन के लिए जीवित पशुओं को मारे, अपने स्वाद के लिए ये गलत काम करे। लेकिन फिर भी ये गलत काम मनुष्य रोज़ बेहिचक करता है। बल्कि हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है जो सक्षम है अपने भोजन को उगाने के लिए, तैयार करने के लिए, और पशु जो हैं वो एक निर्भर प्राणी हैं। बल्कि हमें पशुओं की सेवा करनी चाहिए, उनके ऊपर करुणा का भाव रखना चाहिए, हमें कल्याण के कार्य करना चाहिए, मांसाहार भोजन का बहिष्कार करना चाहिए और शाकाहार भोजन के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ये एक लोगों में गलत धारणा है कि मांसाहार से शरीर को ज़्यादा ताकत मिलती है, जबकि ये प्रूव हो चुका है कि शाकाहारी भोजन शरीर को ज़्यादा स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है। ये शाकाहारी भोजन से ही हम देखते हैं कि सभी प्रकार के रोगों के लिए दवाइयाँ बनाई जाती है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ हैं वो सब शाकाहारी उत्पादों से ही बनाई जाती है, इस क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी काम करती है और हमारे सारी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। तो आइए हम अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और निरोगी बनाने के लिए शाकाहार अपनाएं। धन्यवाद।